उबैदुर रहमान साहब कराची से पूछते हैं, इस हदीस का क्या मतलब है कि जब तुम सहरी में अजान की आवाज़ सुनो तो अपना बर्तन उस वक़्त तक ना रखो जब तक अपनी हाजत पूरी ना कर लो, क्या अजान के बाद भी सहरी खाना दुरुस्त? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, ये जो हदीस है ये मुख्तलिफ कुतुब हदीस में वारिद है, और ख़ासकर अबू दाऊद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये रिवायत की है और फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा समी अहदकुम निदा वल इना अला यदिही फला यज़ाहु हत्ता यक़्दी हाजतहु मिन्हु, कि जब किसी आदमी ने अजान सुने और बर्तन उसके हाथ में है तो उसको उस वक़्त तक न रखे जब तक कि उससे अपनी हाजत पूरी ना कर ले, यानी उसको पी ना ले। लेकिन इसके अंदर ये अल्फाज नहीं हैं कि सहरी के वक़्त आपने अजान सुनी, ये सहरी के अल्फाज इस हदीस के अंदर मौजूद नहीं हैं। इसी वजह से मुहद्दिसीन इकराम ने और शुर्राए हदीस ने इस हदीस के कई मतलब ज़िक्र किए हैं। उनमें से मसलन एक ये अहतमाल ज़िक्र किया है कि इस हदीस का मतलब ये है आम अजान के मुतालिक है, न सहरी न इफ्तार, बल्कि आम अजान के मुतालिक है। आम अजान के मुतालिक का मतलब ये होता है कि लोग जब अजान हो तो अदब की वजह से जो भी काम कर रहे होते थे उसको वहीं रोक देते थे। तो लिहाजा अगर कोई आदमी खाना खा रहा है तो उसको रोक दिया, पानी पी रहा है उसको रोक दिया, चल रहा है तो खड़ा हो गया, इस तरह आजकल भी होता रहता है। तो लिहाजा ये उसके मुतालिक है कि आदमी के हाथ में अगर बर्तन है वो पानी पीना चाहता है और अजान आ गई तो बर्तन उधर छोड़ के बैठ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये पीना चाहता है तो पी ले पानी, अजान इससे माने नहीं। एक मतलब ये जिक्र, ठीक है। दूसरा मतलब ये भी इसका है कि ये इफ्तार के मुतालिक है, यानी पहले ये ऐसा नहीं होता था कि अजान हो तो फिर इफ्तार करें, बल्कि इफ्तार कर लेते थे उसके बाद अजान हुई और फिर नमाज़ पढ़ते थे। तो ये उस इफ्तार के मुतालिक है, तो लिहाजा अगर कोई शख्स इफ्तारी कर रहा है और इतने में अजान हो गई तो अब ये बर्तन इसके हाथ में है या कोई खाने की चीज़ इसके पास है तो ये उसको फौरन छोड़कर नमाज की तरफ ना चला जाए, बल्कि अपनी पानी पी ले और खाना खा ले, उसके बाद फिर नमाज की तरफ चला जाए। ये दूसरा इस्तेमाल इसके अंदर मौजूद है। ठीक। तीसरा इस्तेमाल इसके अंदर ये मौजूद है कि ये सहरी के मुतालिक हो, कि जब सहरी की अजान हो तो उस वक़्त अगर इसके हाथ में बर्तन है तो उसको न रखे बल्कि पी ले। लेकिन उसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो अजानें होती थी, ये मशहूर है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले अजान देते थे और उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजान देते थे। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो वक्त से पहले अजान देते थे ताकि जो लोग सोए हुए हैं वो जाग जाएँ और जो बाहर गए हुए हैं वो वापस आ जाएँ और आके सहरी वगैरह कर लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अजान के मुतालिक फरमाया कि अगर किसी आदमी के हाथ में बर्तन है और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली अजान आ गई है तो कोई मतलब नहीं है, आप खा पी सकते हैं और पानी पी लिया करें। सही। और दूसरा मतलब इसका यह भी जिक्र किया कि अगर सहरी के मुतालिक है और साथ अजान जो है ना वही वाली है, तो अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम वाली ही मुराद हो, दूसरी वाली अजान मुराद है, लेकिन उसमें यह है कि आदमी को शक है कि पता नहीं अजान अभी जो हो रही है ये सुबह सादिक हो चुकी है या सुबह सादिक में अभी वक्त बाकी है, वैसे ही पहले अजान दे दी है, तो अगर किसी शख्स को शक है कि अभी तक सुबह सादिक नहीं हुई और ये अजान पहले दे रहा है तो उस वक़्त अगर इसके पास बर्तन है तो वो उस पानी को पी सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसलिए कि रात का होना यकीनी है और सुबह सादिक का होने में शक है, इसलिए शुरा हदीस ने लिखा है कि अभी ये पानी पी सकता है। ठीक। लेकिन इस पे सबका इत्तेफाक है कि अगर सुबह सादिक हो चुकी है और उसके बाद अगर कोई आदमी ये पानी पिएगा तो उसका रोज़ा नहीं होगा। तो इस हदीस के ये बहुत सारे मतालिब हैं जो शुराए हदीस ने जिक्र किए हैं, इनमें से किसी एक को मुतय्यन कर देना और बाकी सब की नफ़ी कर देना ये ठीक नहीं है। ख़ासकर इसके अंदर सहरी के अल्फाज है ही नहीं और लोग उसके अंदर सहरी के अल्फाज मिलाकर और उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है।